हेलो फ्रेंड्स, अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और आपको गेम खेलना बहुत पसंद है तो आप सही वीडियो पर आए हो। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको टॉप 5 स्मार्टफोन ऐसे बताऊंगा जो गेमिंग के लिए सुपर हैं और गेमिंग के साथ साथ उसका प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 5 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F42। सैमसंग का ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इस फोन का प्रोसेसर डायमेंसिटी 7005G ऑक्टाकोर है। 10GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये फोन बहुत अच्छा है। इस फोन की डिस्प्ले 6.6 इंचेस LCD डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और अब इस फोन के कैमरे की बात करें तो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा, सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और इस फोन की बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है। इस फोन का प्राइस 16,250 रुपीज है। नंबर 4 पर आता है Redmi Note 10 Pro Max। इस फोन की डिस्प्ले काफी शार्प है जो 6.67 इंच फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है जो गेम को खेलते समय काफी स्मूथली वर्क करेगा। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 732G ऑक्टाकोर है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। इस फोन की बैटरी 5020mAh की है जो 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इस फोन का प्राइस 17,999 रुपीज है। नंबर 3 पर आता है Vivo T1 5G। इस फोन का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 695 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलने वाला ये फोन गेमिंग के लिए परफेक्ट है। अब बात करें इस फोन के डिस्प्ले की जो 6.44 इंच के AMOLED स्क्रीन HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। इस फोन का कैमरा 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो इस फोन को काफी अच्छा बनाता है। 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाला ये फोन 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन का प्राइस 16,990 रुपीज है। नंबर 2 पर आता है Redmi Note 11 Pro। फ्रेंड्स, ये फोन गेमिंग के साथ साथ कैमरे में भी बहुत अच्छा है। इस फोन का कैमरा 8 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है। और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन का कैमरा स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टाकोर मिलता है। 10GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये फोन सुपर है। इस फोन की डिस्प्ले 6.67 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले है। इस फोन की बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है जो 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग है। इस फोन का प्राइस 18,999 रुपीज है। और नंबर 1 पर आता है Realme 9 Pro 5G। 35 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला इस फोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है जो Qualcomm Snapdragon 695 5G ऑक्टाकोर मिलता है। इस फोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है। कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इस फोन की बैटरी 5000mAh की है। इस फोन का प्राइस 18,999 रुपीज है। तो फ्रेंड, ये थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन। मुझे इन 5 फोन में से Redmi 11 Pro पसंद आया। आपको इन 5 फोन में से कौन सा फोन पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना।